बलिया में छात्र संघ चुनाव में सपा प्रत्याशी और एबीवीपी के प्रत्याशियों के गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। इस हमले में एक छात्र को गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मुरली मनोहर पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग हो रही थी, तभी सपा और एबीवीपी छात्र गुटों के बीच विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि मुरली मनोहर टाउन महाविद्यालय के चौराहे पर छात्र गुट आपस में ही भिड़ गए। गोली चला था? कहाँ चला था, कैसे, किन चीजों को लेकर? किन चीजों को लेकर गोली चला था? पता नहीं, झगड़ा हुआ था उसमें। तो आज क्या चुनाव होना था क्या? हाँ, किसी का चुनाव था? छात्र संघ। छात्र संघ, जैसा आप सभी जानते हैं, बलिया में छात्र संघ चुनाव चल रहा है, जिसमें 8 कॉलेजेस में आज चुनाव हो रहा है। मतदान के समय कॉलेज परिसर के बाहर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, जिसमें से एक छात्र को गोली लगी है। और हालांकि उसकी स्थिति अभी बहुत चिंताजनक नहीं है, फिर भी उसको BHU रेफर किया गया है। और 2 छात्रों को अन्य चोटें आई हैं, जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से डॉक्टर्स द्वारा बताई जा रही है। शेष स्थितियाँ सामान्य हैं, मतदान हो चुका है, अब काउंटिंग की कार्रवाई प्रारंभ होगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी छात्रों को पकड़ने के लिए टीम का गठन कर दिया है और पुलिस छात्रों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।